दर्शकों को स्वागत है आपका वनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री ने ली परेड की सलामी, फहराया झंडा, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के दिन शासकीय विभागों सहित कलेक्टर व एसपी ने फहराया झंडा, अधिकारियों की रही उपस्थिति। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विधायक सहित कांग्रेसियों की उपस्थिति में हुआ झंडा वंदन। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया धूमधाम से। अब खबर विस्तार से। पुलिस ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन उच्च शिक्षा मंत्री व प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने परेड की सलामी ली और झंडा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। स्कूली बच्चों ने सुंदर और आकर्षक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। शासकीय विभागों द्वारा योजनाओं के प्रकाशन के साथ सुंदर झांकियां भी निकाली गई। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, विधायक शशांक भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे और धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। G20 समूह की अध्यक्षता भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण के एक नए युग का प्रारंभ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र G20 की अंतर्निहित शक्ति बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए यह सौभाग्य का विषय है। विशेष G20 थिंकर परिसर के प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया। श्री महाकाल महालोक मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक अभ्युदय का प्रतीक बन गया है। ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत की अवधारणा को समर्पित विश्व में अपने किस्म के अनूठे एकात्म की बहुधाती प्रतिमा, एकात्म का एकाग्र संग्रहालय और अद्वैत विद्वान संस्थान की स्थापना। और गणतंत्र दिवस की परेड के अवलोकन के पश्चात Thank you.
परिवार में और समाज में बेटियों के महत्व को दर्शाती हुई है। झांकी सलामी मंच की ओर पहुंच रही है जोरदार तालियों के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी का उत्साहवर्धन कीजिए। खुशरंग तितलियां नजर आती है बेटियां घर को बहिष्ट जय। बहिष्ट जय से तात्पर्य है स्वर्ग, घर को बहिष्ट जय बना। जिसमें विश्व स्तरीय सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सीएम राइज स्कूल के विजन और मिशन को किस तरह से वर्ल्ड स्केल पर हमको सीएम राइज स्कूल्स को स्थापित करना है यह दर्शाती हुई। और स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी शिक्षा का गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी और हजारों हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ आज हमने गणतंत्र दिवस मनाया। इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की ताकत बना है। आज हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हम सब पूरी तन्मयता के साथ इस देश के विकास, इस देश के कल्याण स्थायी रखने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जिएंगे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन दिन कलेक्टर निवास पर झंडा वंदन हुआ, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। घनश्याम सिंह जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, हेमंत शर्मा जी, नगर पालिका में 26 जनवरी के दिन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा ने झंडा फहराया। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी द्वारा झंडा वंदन हुआ। वहीं एसपी कार्यालय में एसपी मोनिका शुक्ला ने झंडा फहराया और राष्ट्रीय पर्व मनाया।
है। बसंत पंचमी के दिन स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर कैलेंडर में वसंत उत्सव का कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। मां सरस्वती का अभिषेक, पंचकुंडी हवन यज्ञ एवं नवीन बच्चों भैया बहनों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया। ओम और स्वास्तिक की आकृति बनाई गई। स्कूली स्टाफ सहित गणमान्य रहे उपस्थित। बसंत पंचमी का पर्व स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल के छात्र देश का तिरंगा लेकर घोड़े पर सवार होकर देश के गीतों के साथ स्कूल के मैदान पर निकले। स्कूल के छोटे बच्चों द्वारा घुड़सवारी की गई। प्रशिक्षित छोटे बच्चों ने मैदान पर घुड़सवारी के करतब दिखाते हुए प्रदर्शन किया। स्कूली स्टाफ मौजूद रहा और गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी के दिन विधायक शशांक भार्गव द्वारा गांधी चौक पर झंडा वंदन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी सहित कांग्रेस के युवा नेता उपस्थित रहे। हम किसान के माफी के लिए प्रतिबद्ध है। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मानक करोड़ों और किसानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हर तरह का आदिवासी पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर मजदूर संगठन द्वारा झंडा वंदन हुआ। श्रमिकों ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया। Yeah!
के शुभ अवसर पर मिस्त्री मजदूर संकुल द्वारा यहाँ पर झंडा बंधन किया जाता है और यहाँ सभी मिस्त्री मजदूरों ने मिष्ठान वितरण किया, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, सभी को शुभकामना बधाई, धन्यवाद। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम टी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। साकेत परिवार की ओर से मैं नवल किशोर गुप्ता आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय। मैं महिपाल सिंह राजपूत, स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक, होटल राजावत एवं MPU सेंटर का संचालक, आप सभी को 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस पर हम एक प्रण लें, जहाँ तक हो सकता है हम भारतीय वस्तुओं का उपयोग कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करें। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यह भारतवासियों के लिए बड़ा उल्लास का पर्व है। आज के दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और भारत ही नहीं, विदेशों में भी भारत के लोग जो रह रहे हैं वहाँ भी भारतवंशी बड़े उल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। मेरी छोटी बेटी शिकागो में है और वो भी कल रात को उसको फ़ोन आया था कि वह भी 26 जनवरी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेगी और उत्साह से पर्व मनाएगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सब सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सानंद रहें, धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी किसान भाइयों को, व्यापारी साथियों को, सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेश एवं जिलेवासियों को, विदिशा जनपद पंचायत की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा बंधन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया गया और प्रदेश, देश और प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले में भी विकास की गंगा बहे और ऐसी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में विकास के नए आयाम लड़ रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वार्ड क्रमांक 11 का पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु राजौरिया विदिशा नगर के सभी नगरवासियों के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर रघुवंशी, गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।